नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार। आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। राजस्थान लोकसभा आम चुनाव 2024 राजस्थान में है। द्वितीय चरण का मतदान आज प्रारंभ। सुबह सुबह मतदान बूथ केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। आगे बैठा आगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट श्रीराम आलड़िया ने बताया है कि ही सभी बूथ केंद्रों पर मॉक पोल के बाद मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और शांति से मतदान प्रक्रिया चल रही है। सुबह सुबह ठंड को देखते हुए मतदाता घर से निकले हैं, जहां महिलाएं और बुजुर्ग भी लंबी लाइनों में खड़े होकर लोकतंत्र के महत्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बावड़ी के एक मतदान केंद्र पर रामधाम रामचौक की कहमान सुंदरदास महाराज ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुंदरदास महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि सभी आम नागरिकों को अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लेना चाहिए। मतदान सबसे पहले हमने किया है और हमारे जितने भी रामस्नेही भगत अन्य जितने भी लोग हैं, हमने सबको पाबंद कर दिया है और सभी वोट देने के लिए बूथ पे आ गए हैं और आपका पूरा मतदान सहयोग कर देंगे। नहीं, आप सभी क्षेत्रवासी हैं, हमने सबको कह दिया है, फिर दोबारा दोहराते हैं कि वो अधिक से अधिक मतदान करें।